तो गाइस अभी ब्रेकिंग टेस्ट करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और एक चीज़ मुझे इस बाइक का काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स है। और गाइस सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है अभी BS6 मॉडल में, जो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करे हो, सो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाल ही में दुर्गा पूजा रिसेंटली गया है, तो सबको शुभ बिजाया। और मेरे से जो बड़े हैं उन लोगों के लिए मेरा प्रणाम, और मेरे से छोटे हैं सबको मेरा दिल से बहुत सारा प्यार। सो गाइस मेरा घर में अभी जो गैराज में शेयर में ही है BS6, सो मेरा दोस्त के घर में है और मेरे बगल में ही रहता है। सो चलो पहले शुरू को निकालते हैं, और इस जो वीडियो है जो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के आए हो, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलो, ये खड़ी अपनी डिस्कवर और इधर भी खड़ी हुई शिवू। सो चलो निकालते हैं पहले इसको। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अनिमेश, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एबी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, पहले इस बाइक के जो एडवांटेज है, गुड पॉइंट्स है, वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। उसके बाद जो बैड पॉइंट्स है मैं लास्ट में बताऊँगा। सो गाइज पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। सो गाइज BS6 मॉडल में FI जो सिस्टम दिया है, और पहले इसमें ट्विन स्पार्क आता था, अभी सिंगल स्पार्क आता है, और टॉर्क बीएच भी थोड़ा घट गया है। फिर भी इस बाइक में थोड़ा रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा दिखा देता हूं आप लोगों को, कॉन्जेशन एरिया है सो मैं ज़्यादा खींच नहीं पाऊंगा, सिर्फ मैं थोड़ा रिस्पांस आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस देख पा रहे हो बाइक अभी न्यूट्रल पर है, सो फास्ट गियर से स्टार्ट करते हैं। बाइक इजीली 70 या 80 टच कर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जो BS3 और BS4 बाइक में इतना ज़्यादा इनिशियल टॉर्क शॉर्ट पिकअप नहीं था, अभी इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों को, अच्छा छोटा रिस्पांस में। और गाइस माइलेज में अलग से इस बाइक का वीडियो, माइलेज टेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँगा कुछ दिन बाद, लेकिन मैं एक अप्रॉक्स बता देता हूँ। अभी इस बाइक में फर्स्ट सर्विस हो गया है, फर्स्ट सर्विस का वीडियो लिंक ऊपर आ रहा है, अगर आप लोग मिस कर गए हो तो देख लो उधर जाके। सो गाइस अभी सिटी में माइलेज दे रहा है 35, और जब हाईवे में लॉन्ग राइड कर रहा हूँ तो 40 के ऊपर ही दे रहा है। मैं एवरेज स्पीड रखता हूँ 80, और एक 350cc बाइक और क्लासिक इतना अच्छा माइलेज देगा, मुझे तो लेने के टाइम में इतना देगा एक्सपेक्ट ही नहीं था, लेकिन अभी दे रहा है तो काफ़ी अच्छा बात है ये। और गाइस ब्रेकिंग अभी तो इस बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल जाता है, और ये बाइक मेरा एलॉय व्हील वाला है टॉप मॉडल। सो गाइस अभी ब्रेकिंग टेस्ट करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। 40 के ऊपर है, टायर एकदम भी स्किड नहीं किया, और ब्रेक का पंच है वो काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग अभी इस बाइक में डुअल चैनल और ABS और डुअल डिस्क के साथ है ये बाइक। और एक चीज़ मुझे इस बाइक का काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स है, सो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बाइक अभी देखो न्यूट्रल पे है, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं न्यूट्रल पे है, मैं पहले गियर में डाल देता हूँ। अभी बाइक गियर में है, सो अगर आप लोग इस टाइम साइड स्टैंड नहीं गिराए हो, अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ रहेगा तो बाइक ऑटोमेटिक इंजन कट ऑफ कर देगा। देखो देखला बाइक बंद कर दी, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो गया। अगर बाइक स्टैंड में रहा और गियर में तो बाइक स्टार्ट नहीं हो गया। देखो सो ये सेंसर काफ़ी अच्छा दिया है रॉयल एनफील्ड वालों ने। और एक चीज़ इस बाइक में काफ़ी अच्छा दिया है जो है AHO सिस्टम। सो अगर आप बाइक को ऑन करते हो, सो जब इग्निशन ऑन करोगे तो बाइक के सिर्फ पार्किंग लाइट ही ऑन होगा, हेडलाइट ऑन नहीं हो। जब आप बाइक की सेल्फ दोगे तभी हेडलाइट स्टार्ट होगा, और अगर बाइक की आप किल स्विच ऑफ कर देते हो
सो हेडलाइट ऑफ हो जाएगा, सिर्फ पार्किंग लाइट जलेगा। ये काफ़ी अच्छा है, पहले जो BS3 और BS4 में टेक्नोलॉजी था, BS3 और BS4 में जो था, अगर बाइक इग्निशन ऑन करते हो तो हेडलाइट ऑन हो जाता था, उसी टाइम खतरा रहता है बहुत ज़्यादा बाइक की जो बैटरी है ड्रेन हो जाने का, लेकिन अभी ये दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया है अभी। और गाइस अभी बात करता हूँ मैं वाइब्रेशन तो मैंने इस बाइक में लॉन्ग राइड किया है तो कुछ वीडियो है, और मैं हाल ही में नॉर्थ बंगाल की राइड करके आया है भैया, सो मैं नहीं गया तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इस बाइक की वाइब्रेशन की बात करें तो हाईवे में वाइब्रेशन जब 80 टच करता है तो उतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होता है, पहले की तरह तो नहीं होता है लेकिन वाइब्रेशन है। जब आप 80 से क्रॉस करोगे बाइक, 90 या 100 टच कर दोगे तो तभी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा आप लोगों को हैंडल बार में और फुट पेग्स और सीट में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है, लेकिन बाइक कंफर्टेबल काफ़ी है तो आप लोग जानते हो। और सस्पेंशन की तो बात ही नहीं करनी मुझे, क्योंकि इतना अच्छा सस्पेंशन है, छोटे मोटे गड्ढे हैं, बम्पर तो मालूम ही नहीं चलता है कब बाइक निकल गया उसके ऊपर से। और इस बाइक की जो रिव्यू है मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरा चैनल में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इस बाइक की ओनरशिप रिव्यू टाइप एक बनाया हुआ है। सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं इस बाइक की बैड पॉइंट्स। सो गाइज सबसे बड़ी जो मुझे बेकार लगी, तो रॉयल एनफील्ड इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन देख लो आप, एक पार्किंग लाइट जल रहा है और एक पार्किंग लाइट कट गया है, 4 मंथ या 5 मंथ्स हुआ है अभी ऐसी हालत हो गया है। और गाइस सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है अभी BS6 मॉडल में, वो आप लोग देख सकते हो कि इधर जो साइलेंसर है पूरा गोल्डन कलर का हो गया है, इधर से सिल्वर क्रोम फिनिश अभी नहीं है, पूरा गोल्डन हो गया है। सो BS6 मॉडल में दिक्कत आ रहा है, इधर पे O2 का सेंसर और कैथोडिक कन्वर्टर के लिए इधर केमिकल रिएक्शन होके ऐसा कुछ गोल्डन कलर हो जा रहा है, मुझे मालूम नहीं ये क्यों हो रहा है, मैं सर्विस सेंटर में बोला था लेकिन उन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक दिक्कत आ रहा है इधर से, आप लोगों को कैसे दिखाऊं मैं, जब बाइक गड्ढों में जाता है सो इस साइड में आप लोगों को घिसने की दाग आ रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस साइड का सस्पेंशन है वो मडगट में टच होता है और घिस के इधर से ब्लैक कलर का जो रंग है वो हट गया है, सो इधर पे टच होता है सस्पेंशन मडगट के ऊपर। सो इसको भी मैं दिखाऊंगा जब सेकंड सर्विस में जाऊंगा तभी। और एक साउंड आता है मेरा फ़ोन मडगट से, तो किसर से साउंड आता है और कौन सी पार्ट लूज है मुझे मालूम नहीं, एक साउंड आता है चिन 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 करके साउंड आता है जब बाइक गड्ढों में जाता है उसी टाइम। सो बिल्ड क्वालिटी थोड़ा घट गया है BS6 मॉडल पे, मुझे तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी मिल रहा है। और गाइस और एक दिक्कत आ रहा है अभी इस बाइक में, जब बाइक पहला स्टार्ट लेके गियर दे रहा हूँ तभी उसी टाइम ऐसा खट करके साउंड आ रहा है, ये साउंड नहीं आना चाहिए, जब मैं फुल क्लच कर रहा हूँ फिर भी ये साउंड आ रहा है, फर्स्ट गियर जब भी मैं देता हूँ ठक करके एक साउंड आता है, तो ये सारी दिक्कत मुझे अभी आ रहा है। सो BS6 मॉडल में, सो आप लोग अभी सोचो कि ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। सो गाइज अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो में बने रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। सो चलो मिलते हैं किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो बाय।